जहां बात अगर मुजफ्फरनगर के कई मंडी शमशान घाट रोड की जाए तो यहां सड़कों में इस कदर गड्ढे हो चुके हैं कि आए दिन यहां सड़क हादसों में चाहे स्कूली बच्चे हों, नौजवान हों, बाइक सवार हों या फिर बुजुर्ग महिलाएं हों, लगातार चोटिल हो रही हैं। जब इस संबंध में क्षेत्रीय सभासद से बात की गई तो इन्होंने मामले में संज्ञान तो लिया और बताया कि इस पूरे मामले में 2 से 3 दिन में ठीक करने का अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इतने सभासद महोदय पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे, इतने में तो यहां लोग छोटे लगकर गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। उधर मौके से गुजर रहे यूपी कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के पुत्र ने भी स्थानीय निवासियों के साथ अपना अलग तरीके का सहयोग दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से बड़े बड़े पत्थर निकालकर सड़कों के बड़े गड्ढे भरते हुए जन सहयोग दिया है। स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है और वह कभी कभी लीक हो जाती है, जिसके चलते पानी लीक होने और 24 घंटे यहाँ से वाहन गुजरने के चलते गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना विकराल रूप ये गड्ढे धारण कर लेते हैं कि आए दिन दुपहिया वाहन से लेकर रिक्शा ऑटो तक गिर पड़ती है और लोग चोटिल हो जाते हैं। जी हमारा आगे ये है सर, हमने करीबन 2 महीने से पाइप फूटा हुआ है यहाँ पे गुरु मंडी रोड पे और हम शिकायत भी कर चुके हैं हर जगह, कोई इसका निदान नहीं हो पा रहा है। मेंबर साहब को भी और यहाँ भी 10 मिनट पहले एक रिक्शा पलटी है और आज सुबह 3 एक्सीडेंट हो चुके और बुजुर्ग थे उसमें दोनों ही और बेचारे गिर गए, चोट बहुत लगी। यहाँ जो मेंबर हैं वो कौन है और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? सर विकल्प जैन जी हैं और क्या नाम निर्दलीय है उससे हैं और हम उन्हें भी कह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हम जल्दी करवा देंगे इसको पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है। कितना समय हो गया इस गड्ढे को हुए सर? 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और ये गड्ढा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके गड्ढे हमने ही भरे हैं, जितने भी ईंटे यहाँ से उठा उठा के अपने यहाँ से कि कोई एक्सीडेंट ना हो, फिर भी अच्छा लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढा भरा नहीं जा रहा, तो इसका क्या होना चाहिए? क्षेत्रीय सभासद समेत जो नगर पालिका इसका निवारण होना चाहिए। उन्होंने इस ओर देखा है? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। मंत्री जाते हैं अभी भी गए हैं, अभी भी मंत्री जी यही को गए हैं, उनका बेटा भी आया था वो भी देख के गया है अभी इसको। हाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, आज सुबह से 4th एक्सीडेंट है ये, आप देख लीजिएगा फोटो में, ये डिवाइडर जो है वो भी टूट गया है। तो क्या होना चाहिए, क्या ये जल्दी जल्दी ठीक होने की? आप क्या कहना चाहिए? भाई जी मैं हूँ शामली से बिलोंग करता हूँ बट मैं 10 साल से ही रहता हूँ। देखो ना मेरी सिटी भी अलग है, शामली विधानसभा यहाँ के अलग है। अभी यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, एक्सीडेंट हो चुका है मेरे सामने खुद है, मैं वापसी मुड़ के आया हूँ उन आंटी जी को मैंने और ये आपने मदद की बिल्कुल, ये बड़े भाई भाई साहब जो भी है ना गलत है बिल्कुल, मेंबर साहब जो भी है यहाँ पे निर्दलीय है, भाजपा लोकदल सपा बहुत गलत है।